नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास डेज एंड थीम्स 2023। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो करेक्ट आंसर इज बी, 7 जून को इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ग्लोबली अटेंशन पाने के लिए, यानी कि हमारा जो फूड एंड वाटर को कंटामिनेशन हो रहा है उसके लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके लिए ग्लोबल अटेंशन पाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, WHO और FAO ने मिलकर इसकी स्थापना की थी 2018 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 की थीम थी आपकी, फूड स्टैंडर्ड्स सेव्स लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन इज वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो करेक्ट आंसर इज डी, June 1 को उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्लोबली ऑब्जर्व्ड ऑन 1 जून एवरी ईयर टू सेलिब्रेट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू डेयरी सेक्टर। अब वो किस चीज़ में, सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लाइवलीहुड और न्यूट्रिशन को बनाए रखने के लिए। नेशनल मिल्क डे को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 26 नवंबर को। वहीं आप देख सकते हैं 26 नवंबर जो है ये आपका कमेमोरेट करता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बर्थ एनिवर्सरी को, और इन्हीं को कहा जाता है द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी कि दूध क्रांति के जनक इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर। तो करेक्ट आंसर इज सी, 3 जून को उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, इन अप्रैल 2018 यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो आपकी UNGA है उसने डिक्लेयर किया था 3 जून को एज अ वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। ठीक है, तो जो ये डे है ये प्रमोट करता है यूनिकनेस एंड बेनिफिट्स ऑफ साइकिल एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और उसके एक्सरसाइज के फॉर्म में क्या क्या फ़ायदे हैं इसको। ठीक है, इस बार की जो थीम थी वो है आपकी राइडिंग टुगेदर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो करेक्ट आंसर इज सी, 5 जून को उसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन June 5। ठीक है, किसके लिए, क्रिएट अवेयरनेस एंड एनकरेज एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। बेसिक सा है ये, तो पता ही होना चाहिए भाई, ये अवेयरनेस के लिए ही होगा। इसके साथ ही 2023 की थीम थी सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन, होस्टेड, इसको होस्ट किया गया आपका UNEP के द्वारा, होस्ट कंट्री थी आइवरी कोस्ट अफ्रीका की। ठीक है, और उसका पार्टनर था नेदरलैंड, नेदरलैंड का ही हिस्ट्री में आप नाम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो इसका नाम था हॉलैंड। ठीक है, तो हॉलैंड ही इसका पूरा नाम था, याद रखना। इसके साथ ही 2022 की जो थीम थी वो है आपकी क्या चीज़, ओनली वन अर्थ। ये काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछी गई है तो याद रखना इसको। इस बार की क्या है, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन इज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो करेक्ट आंसर इज बी, 20 जून को उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व एनुअली कब, June 20। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रेज अवेयरनेस, शो सॉलिडेरिटी एंड सपोर्ट द मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज सीकिंग सेफ्टी डिग्निटी एंड ब्राइटर फ्यूचर। ओके, तो इसको याद रखना, 2023 की थीम है होप अवे फ्रॉम होम, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। करेक्ट आंसर इज सी, 21 जून को उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल योगा डे को हम सेलिब्रेट करते हैं June 21 को। प्रमोट करता है क्या, ये न्यूमरस बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा। ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है कहाँ पे, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, एडिशन था ये 9th। दिस ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा विल बी लेड बाय PM मोदी, कहाँ पे, UN हेडक्वार्टर। ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके साथ ही 2023 की जो थीम है वो है आपकी योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। ओके, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास, इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो करेक्ट आंसर इज सी, 23 जून को उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की जो हम नॉलेज में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स इन लाइफ। ठीक है, ओलंपिक डे कमेमोरेट करता है आपका फाउंडिंग ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, कि किस तरह से इस कमेटी की स्थापना हुई थी ऑन 23 जून 1894 में। ठीक है, किसके द्वारा, बैरन पियरे। ये पीछे वाला आप नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा, बैरन पियरे का नाम याद रखना। ठीक है, इस बार की थीम थी लेट्स मूव। तो ये लेट्स मूव, इस टर्म को याद रखना, लेट्स मूव विच एम्स, ये एम्स क्या करता है, इंस्पायर पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू मेक टाइम
फॉर डेली फिजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, तो करेक्ट आंसर इज बी 14 जून को उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। नॉलेज में आप देख सकते हैं ये क्या करता है, अवेयरनेस करता है अबाउट अर्जेंसी ऑफ ब्लड डोनेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके फर्स्ट पॉइंट। और 2004 में वर्ल्ड ब्लड को डोनर डे वाज फर्स्ट डिस्टिंग्विश्ड बाय WHO, तो 2004 में पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था। 2005 में इन 58th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो मीटिंग हुई थी 58th, उसमें 2005 में इट वाज डिक्लेयर्ड एज एन एनुअल ग्लोबल इवेंट। इस बार की जो थीम है वो है आपकी गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ और शेयर ऑफन, तो अक्सर ऐसा करना भी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट, तो करेक्ट आंसर इज बी 12th जून को उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द डे इज लॉन्च्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO टू फोकस ऑन द वर्ल्ड वाइड एक्सटिंक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है, इसके लिए काम करता है ये। इस बार की जो थीम थी 2023 की ये है आपकी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, तो आंसर है हमारे पास ए 26 जून को उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की जो थीम है वो है हमारे पास पीपल फर्स्ट स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रेंथन प्रिवेंशन, ओके तो थीम याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड MSME डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, तो करेक्ट आंसर इज ए 27 जून को उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार की जो थीम है 2023 की वो है बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर टुगेदर, ठीक है, इन इंडिया, जो ये रखी गई है इसको ये मीन ये इस वाली टर्म को याद रखना फ्यूचर रेडी MSMEs फॉर इंडिया एट द रेट 100, ये सर्व करेगा एज ए थीम कहाँ पे वर्ल्ड MSME डे 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, तो करेक्ट आंसर इज बी 29 जून को उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की जो थीम है 2023 की वो आप देख सकते हैं अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो आप लोगों के लिए खुशी की बात ये है कि ये वाली थीम नहीं पूछने वाले हैं, लेकिन हाँ पता होना चाहिए। इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये किसके लिए कंट्रीब्यूशन है इसका, ये हमारे PC महालनोबिस जी के लिए, ठीक है, और इनके लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग की थी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पूरी लिस्ट है जून 2023 इंपॉर्टेंट डेज क्या क्या रहे हैं। वर्ल्ड मिल्क डे इसको हम सेलिब्रेट करते हैं June 1st को, ठीक है। इसके साथ ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ये भी हम 1st जून को ही सेलिब्रेट करते हैं। तेलंगाना फॉर्मेशन डे है आपका 2 जून। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, अच्छा इसका ईयर तो बता दो क्या है, मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे था आपका 3 जून को और इस बार की थीम थी राइडिंग टुगेदर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये है आपका 5 जून। 2023 की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इसको सेलिब्रेट करते हैं हम 7 जून को। ओशन डे करते हैं 8 जून को। ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं 8 जून को। यहाँ पे आप कुछ और एक्स्ट्रा डे देख सकते हैं, जैसे 12 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है, चाइल्ड लेबर। 14 तारीख को करते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। 20 जून को करते हैं वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। 21 जून को करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर ऑफ योगा। 23rd जो थीम थी 2023 की जो थीम थी वो है आपकी योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, इसको हमने दिखाया अभी। और 23rd जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे, इसी दिन मनाते हैं हम लोग इंटरनेशनल विडोज़ डे भी, ठीक है। और 29 जून नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। इंटरनेशनल वर्कर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, आपका आंसर है ऑप्शन ए, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 1st मई को। इस डे की थीम थी अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क, ओके। इस थीम को प्लीज़ याद रखना, थीम्स आपके अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, कई बार ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सेलिब्रेटेड देयर 63rd फाउंडेशन डे ऑन 1st मई 2023, आपका आंसर है डी गुजरात और महाराष्ट्र ने हाल ही में अभी अपना जो फाउंडेशन डे है उसको सेलिब्रेट किया है, जो है आपका 1st मई 2023 को, और ये उनका 63rd एस्टेब्लिशमेंट डे है,
ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात ने 63rd अपना ये फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। गुजरात गौरव दिवस के नाम से जाना जाता है और महाराष्ट्र महाराष्ट्र इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज महाराष्ट्र दिन, ठीक है। मतलब गुजरात मनाता है गुजरात गौरव दिवस और महाराष्ट्र मनाता है महाराष्ट्र दिन के तौर पे। गुजरात एंड महाराष्ट्र वर फॉर्म्ड एज सेपरेटेड स्टेट ऑन 1 मई 1960, तो 1960 में ये अलग हो गए थे, इस फैक्ट को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड अस्थमा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, तो क्या है इसका आंसर। हमारा हम मनाते हैं इसको, सेलिब्रेट करते हैं 2 मई को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी थीम है अस्थमा केयर फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट, तो हमारे पास आंसर है सी, 3 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। दिस डे वॉज इस्टेब्लिश इन 1993, किसने एडवाइस किया था, यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ने किया था UN जनरल असेंबली को, ठीक है, और उसी के द्वारा 1993 में दिस डे वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 3 मई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका ये फ्रीडम डे इसकी जो थीम थी वो थी शेपिंग अ फ्यूचर और फ्यूचर ऑफ राइट्स, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, तो शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स इस लाइन को आप मेनली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल फायर फाइटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो इसका आंसर है हमारे पास 4 मई को हम ये वाला आपका इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इनमें देखेंगे हम मतलब बेसिक सी वही थीम है कि फायर फाइटर्स ने किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है, उनको ऑनर देने के लिए उनके ग्रेट वर्क को किस तरह से उन्होंने पूरा किया, प्रॉपर्टी बचाई लोगों की जान बचाई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, बुद्ध पूर्णिमा वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, तो इसका आंसर हमारे पास बी, 5 मई को हमने इसको सेलिब्रेट किया था बुद्ध पूर्णिमा को, ठीक है, मतलब इस दिन हमको इसको सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुद्ध पूर्णिमा, इसको हम लोग बुद्ध जयंती के नाम से भी जानते हैं और ये सेलिब्रेट की जा रही है 5 मई 2023 को कॉन्टीन्यूसली। वेल द डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा, ठीक है, ईयर 2023 जो है यहाँ पे इनकी 2585th बर्थ एनिवर्सरी थी जो सेलिब्रेट की गई, ठीक है। बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी नेपाल और निर्वाण प्राप्त हुआ था इनको एट एज ऑफ 35। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन इज़ द वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2023 सेलिब्रेटेड, तो इसका आंसर है हमारे पास, इसको सेलिब्रेट करते हैं हम 7 मई को। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज एज अ मीन ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीजेज एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ, तो ऑब्जेक्टिव हमेशा अच्छे ही होते हैं चीज़ों के। वेल 2023 की थीम थी हमारे पास एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगिनिंग, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, इसका आंसर है 8 मई को हम लोग थैलेसीमिया डे को सेलिब्रेट करते हैं और इसकी थीम की इस बार देखेंगे बात करते हैं, तो जो थीम थी 2023 की वो थी बी अवेयर शेयर एंड केयर, ठीक है, यहाँ पे थीम लिखी है। थैलेसीमिया जो है ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है विच इज़ इनहेरिटेटेड बाय द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तो भाई पेरेंट्स की दिक्कत जब होती है तो वो जेनेटिकली बच्चे में भी चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन इज़ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 8 मई को, टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेनरी डुनांट, तो इनको ऑनर देने के लिए इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, हु फाउंडेड द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस एंड वॉज फर्स्ट टू बी अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज। पीस प्राइज जितने भी होते हैं वो सारे आपको ओस्लो में मिलते हैं, ठीक है। 2023 की थीम है एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, ये हम इंडो पाठशाला वालों के लिए भी बढ़िया है, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, ओके। वेल नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो बे इज द राइट आंसर, 11 मई को उसको सेलिब्रेट किया जाता है, रिकॉग्नाइज करता है और ऑनर करता है टू रिमार्केबल अकम्पलिशमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इट्स साइंटिस्ट इंजीनियर्स एज वेल एज टेक्नोलॉजिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, भाई डेवलपमेंट में उन्होंने किस तरह से रोल प्ले किया है वो। और 2000 की थीम की हम बात करें तो इसकी थीम है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट,
ठीक है, स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। दो तीन बार इसको पढ़ लेना आप भी अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम किस दिन मनाते हैं? 11 मई को। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन इज इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, हम 12 मई को वर्ल्ड इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। कमेमोरेट द बर्थ ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन्हीं की याद में हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग हु वॉज बॉर्न ऑन द May 12th, 1920। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो करेक्ट आंसर हमारे पास, वर्ल्ड मतलब विश्व प्रवासी दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं 13 मई को। इसकी थीम है वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। ओके, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, वर्ल्ड बर्ड लाइफ, तो इसको याद रखना। On which date is the International Day of Living Together in Peace 2023 observed? Correct answer है 16 मई को हम इसको celebrate करते हैं। इस बार देखोगे तो इसका aim है, या फिर theme और aim कुछ भी कह सकते हो आप, to promote peace, tolerance, inclusivity, understanding and solidarity among individuals and communities worldwide. Okay? Next है, on which date is the International Day of Light 2023 सेलिब्रेटेड? तो इसको हम मनाते हैं 16 मई को, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देखेंगे जो एनिवर्सरी है, ये फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन के बारे में बात हुई थी, जो लेज़र का ऑपरेशन हुआ था 1960 में, और ये आपके फिजिस्ट एंड इंजीनियर थे थियोडोर मेमन, इन्होंने की थी, और इन्हीं की याद में या फिर इनको डिनोट करने के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं 16 मई को, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट, व्हेन डिड सिक्किम सेलिब्रेट इट्स 48th फाउंडेशन डे? तो करेक्ट आंसर हमारे पास, 16 मई को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, और सिक्किम का 48th फाउंडेशन डे था। सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया, और ये बना कब था? 16 मई 1975। तो डे याद रखना, डे क्या है? 16 मई। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व्ड? तो करेक्ट आंसर हमारे पास, 17 मई को हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। किस डे को? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। तो उसकी थीम थी मीजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, इसके साथ ही कंट्रोल इट और लिव लॉन्गर। आप लोग भी डेली रनिंग करने जाया करो, एटलीस्ट 3 किलोमीटर तो पैदल चला ही करो। ओके, क्वेश्चन है, व्हेन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे? तो करेक्ट आंसर है, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 18 मई को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे? ठीक है, पर्पस क्या था इस बार का? इसकी थीम है 2023 की इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज़ म्यूजियम्स सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग। ठीक है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 18 मई को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। 18 मई यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, इसको देख लेना। तो कल्चरल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन इस बार का पर्पस था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2023 ऑब्जर्व्ड? करेक्ट आंसर इज May 22 को हम जैव विविधता दिवस अंतर्राष्ट्रीय तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड एनकरेज द प्रिजर्वेशन ऑफ अर्थ डाइवर्स इकोसिस्टम। क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड टर्टल डे 2023 बीइंग सेलिब्रेटेड? May 2 हमने अभी देखा है, तो दो ऑप्शन बचे आपके पास। करेक्ट आंसर है, May 23 को हम वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा ये मिलते हैं आपको गहीरमाथा, उड़ीसा के अंदर, ठीक है, ओलिव रिडले टर्टल, और ये दुनिया में सबसे छोटे भी हैं, और ये मांसाहारी होते हैं, ठीक है। थीम थी आई लव टर्टल्स। नेक्स्ट है, और ये एंडेंजर्ड है, ये भी याद रखना, IUCN के स्टेटस के हिसाब से बात करें तो। ऑन विच डेट इज कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? मे की बात कर रहे हैं, तो 13 हमारा हो गया है, तो करेक्ट आंसर इज 24 मई। इस बार की थीम की बात करोगे कॉमनवेल्थ डे की 2023 में, तो फॉर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन इज द वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व, या फिर हम तो कब से मनाते आ रहे हैं? डे यहाँ पे मेंशन है इसकी थीम के पेज पे, 25 मई को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है।
नहीं भाई, हम इसकी थीम की बात करेंगे तो इट्स नॉट यू, इट्स योर थायराइड। खैर, ये गंभीर समस्या है। रनिंग करने जाए करो तो फिर चीज़ें बीमारी नहीं होंगी। डेली वॉक किया करो, एटलीस्ट जॉग तो यही करो सब लोग। वर्ल्ड हंगर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? टू बी इज़ द करेक्ट आंसर। 28 मई को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू हंगर एंड पॉवर्टी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेंस हेल्थ इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 25 मई, 27 मई, 28 मई या फिर 29 मई। करेक्ट आंसर है 28 मई को हम महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यबल दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार की थीम की बात करेंगे, आवर वॉइसेस एक्शंस और डिमांड, अपहोल्ड वुमेंस हेल्थ एंड राइट्स नाउ। नेक्स्ट है, वर्ल्ड नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो 31 मई को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं कि भाई तंबाकू नहीं खाना है, और तुम लोग कोई खाते हो, खासकर लड़कियां, तो मत खाना। खैर, पार्ट ऑफ जोक। इसकी थीम थी वी नीड फूड नॉट टोबैको। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ होता है हमारी वीडियो का एंड। होप्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।